भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार उमा शंकर गुप्ता भोपाल के डिजाना ऑफिस आए। यहां उन्होंने डिजाना परिवार की तरफ से स्वागत किया गया। यहां उन्होंने ब्यूरो चीफ संजीव श्रीवास्तव से खास चर्चा की। भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी उमा शंकर गुप्ता जी आज हमारे डिजाना ऑफिस में आए, डिजाना परिवार के लोगों से मिले और यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए भी वो निकलने वाले हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, अब किस तरह की स्थिति लग रही है? देखिए, पहले भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है, क्योंकि जनता ने दोनों पार्टियों की सरकारों को देखा है, 55 साल कांग्रेस के और 15 साल बीजेपी के, और उसके आधार पर बीजेपी ने जो जनता के कल्याण के काम किए हैं, इस प्रदेश के विकास के काम किए हैं, इसलिए जनता का भरोसा बीजेपी पर जमा है और वो चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट दिखाई देता है और इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2008 का भी चुनाव हमने देखा है, 2013 का भी देखा है, लेकिन कांग्रेस इस बार कुछ ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। नहीं, कांग्रेस को आक्रामक होना भी चाहिए। कांग्रेस हैरान है, परेशान है, निराश है, हताश है, और इसलिए ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय लो जरा ज्यादा भभकती है। सर, आपके यहाँ दूसरी पार्टियों के लोग भी खड़े हैं, थर्ड फ्रंट के लोग भी हैं, आप पार्टी के, दूसरी पार्टियां भी हैं, ये भी सर काफी जोर मार रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? मध्य प्रदेश में मैच्योर्ड हो गया है मतदाता और आप देखेंगे कि अनेक वर्षों से दो दलों में वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, इसलिए तीसरे दल का कोई यहाँ भी अस्तित्व नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं आप अपने क्षेत्र में? नहीं, देखिए, एक तो निरंतर उनकी सेवा, मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध होती रहे और एक विजनरी भविष्य का एक चित्र और उसके हिसाब से डेवलपमेंट, और वो उसी आधार को मैं मानकर अपने क्षेत्र में काम करता हूँ। सर, आपके क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सर उनकी अपेक्षाएं भी आपसे बहुत हैं, कितनी अपेक्षाएं पूरी कर पाए और आपको क्या लग रहा है कि आप जीत कर आएंगे तो उनके लिए क्या सौगात देंगे आप? देखिए, मैं भी अपने आप को कर्मचारियों का प्रतिनिधि कहता हूँ क्योंकि यही विधानसभा है जहाँ किसी और विधानसभा से ज़्यादा कर्मचारी रहते हैं। वैसे मेरे विधानसभा का स्वरूप बड़ा विविध प्रकार का हो गया है, मेरे यहाँ टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, मेरे यहाँ व्यापारी भी रहते हैं, मेरे यहाँ सामान्य वर्ग के लोग भी रहते हैं, मेरे यहाँ करीब 100 से ज़्यादा झुग्गी बस्तियाँ भी हैं और मेरे यहाँ कर्मचारी भी रहते हैं, तो सभी का मैं चिंता करता हूँ, सभी की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने की कोशिश करता हूँ। कर्मचारियों के भी हर मामले में सरकार में होते हुए भी मैंने हर मुद्दे को उठाया, कैबिनेट में भी उठाया, विधानसभा में भी उठाया है, और जब मैं वो मुद्दा उठाता था तो उनके प्रतिनिधि के रूप में ही उठाया था, और आप देखेंगे पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं और कई बातें तो बिना उनके मांगे भी दी है, और इसलिए कर्मचारियों में सरकार के प्रति ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। सर, मन की बात आप पढ़ पा रहे हैं कि सर लोग नहीं पढ़ पा रहे? आज जो जिस तरह का माहौल है, मतदाता खामोश है, शांत है, आपने कुछ मन की बात पढ़ पाए क्या? हम जब जनता के बीच में जाते हैं, विशेषकर चुनाव प्रचार के दौरान, वो किस तरह हमसे मिल रहा है, कैसे हाथ मिला रहा है, और तिलक भी लगा रहा है तो गुस्से में लगा रहा है कि प्यार से लगा रहा है, इस सब से एक आकलन हो जाता है कि वो भारतीय हमारा मतदाता है या हमारे से नाराज है। मतलब आपको पूरी उम्मीद है? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इस क्षेत्र में जनता भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक मतों से चुनाव जिताएगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप डिजाना परिवार में शामिल हुए, और देखा आपने कि गुप्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि मतदाता के मन की बात कोई पढ़ पा रहा हो या नहीं पढ़ पा रहा हो, लेकिन गुप्ता जी मतदाताओं के मन की बात पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उनको उम्मीद भी है कि जनता उन पर जीत का सेहरा मानेगी। कैमरामैन उमाकांत व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, भोपाल।